आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्णिशन और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। क्या आपने कभी सुना है कि एक सिपाही अगर एक जज की गाड़ी रोक दे तो उस जज को पैदल अपने कार्यालय तक जाना पड़ता है? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आपको सुनकर ज़रूर इस बात की हैरानी हो रही होगी कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, तो अब ऐसा कैसे हो गया कि एक सिपाही के गाड़ी रोक देने से जज को पैदल अपने कार्यालय तक अपने घर से जाना पड़ा? लेकिन ये मामला बिल्कुल सही है और ये हुआ है बिहार के सिवान में। बिहार के सिवान में एक सिपाही अपनी ड्यूटी कर रहा था और तभी उसने जज की गाड़ी रोक दी और फिर जज को वहां से पैदल अपने ऑफिस तक जाना पड़ा। आइए हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं। बता दें कि सिवान में प्रिंसिपल जज की गाड़ी को सिपाही के द्वारा रोक दिया जाना और फिर उनका पैदल ही कोर्ट जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि यह मामला सिवान के कलेक्ट्रेट गेट का है। दरअसल सुबह के वक्त परिवार न्यायालय के प्रिंसिपल ज्योति स्वरूप श्रीवास्तव अपने आवास से न्यायालय जा रहे थे। उनका ड्राइवर गाड़ी को कलेक्ट्रेट के दक्षिणी गेट से प्रवेश कर ले जाना चाहता था क्योंकि वह प्रतिदिन उसी रास्ते से न्यायालय जाता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज यह नियम सिवान के डीएम साहब के आदेश के बाद से बदल दिया गया है। जज साहब को भी एहसास नहीं रहा होगा कि कल तक गेट पर तैनात सिपाही जो गाड़ी गुजरने पर सल्यूट मारता था, वह सिपाही आज कलेक्ट्रेट के दक्षिणी गेट से प्रवेश करने पर रोक देगा और दूसरे रास्ते से जाने को कहेगा। बता दें कि जब सिपाही ने जज साहब की गाड़ी को रोककर यह कहा कि दूसरे रास्ते से जाएं, तो जज साहब के साथ मौजूद सुरक्षा कर्मी जज साहब का परिचय देते हुए गेट खोलने को कहा, लेकिन इसके बावजूद सिपाही इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सिपाही ने सुरक्षा कर्मी से स्पष्ट कहा कि आप जेपी चौक के रास्ते और चले जाएं। फिर क्या था, सिपाही की बात सुनकर जज साहब वहीं अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही न्यायालय में चले गए, जबकि उनकी गाड़ी जेपी चौक के रास्ते पीछे से कोर्ट पहुंची। इन सब घटना के पीछे मुख्य वजह है कि सिवान के कलेक्ट्रेट का दक्षिणी गेट डीएम अमित कुमार पांडे के निर्देश पर बंद किया गया था। सिपाही के लिए बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति थी। अगर जज साहब को देखकर गेट खोल देता तो डीएम साहब के आदेश का उल्लंघन होता। इसे देखते हुए सिपाही अपने कर्तव्य पर डटकर रहा। गौरतलब है कि न्यायालय के बीच भी कलेक्ट्रेट है। जज साहब अपने आवास से न्यायालय जाने के लिए कलेक्ट्रेट का रास्ता काहे उपयोग किया करते थे, लेकिन डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट का दक्षिणी गेट बंद करा दिया गया था। अब व्यवहार न्यायालय के परिवार न्यायालय में जाने के लिए जेपी चौक होकर जाना पड़ेगा। जेपी चौक पर पहले ही जाम की स्थिति बनी रही है। सिवान जिला अधिवक्ता संघ ने इस घटना की निंदा की है। जैसे ही इस घटना के बारे में अधिवक्ताओं को पता चला तो उन लोगों ने आपात बैठक बुलाई। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पांडे रामेश्वरी प्रसाद, सचिव प्रेम कुमार सिंह, राजीव रंजन राजू, उप सचिव गणेश राम, अजय कुमार सिन्हा, प्रकाश सिंह, कल्पनाथ सिंह, राजकुमारी रीना, मोहम्मद कलीम उल्लाह, सुनील कुमार और जितेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि कलेक्ट्रेट का दक्षिणी गेट वकील और जज के लिए खोला जाए। तो आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट का दक्षिणी गेट डीएम के आदेश पर उसको बंद किया गया था, लेकिन जज जब वहाँ से हमेशा से गुजरती थी, लेकिन तब भी उन्हें वहाँ उस रास्ते से गुजरने नहीं दिया गया और उन्हें रोक दिया गया क्योंकि उस सिपाही को अपने डीएम का आदेश का पालन करना था। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने हंगामा किया है, बैठक किया है और बोला गया है कि जज के लिए इस गेट को खोल दिया जाए क्योंकि वो हमेशा से ही इधर से ही गुजरते हैं, तो उनके लिए ये रोक टोक नहीं किया जाए। और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ वर्णिशन। नमस्कार।